अगर आप अपनी ऑडियंस के बिहेवियर ट्रैक नहीं करोगे तो एड्स चलाने का कोई मतलब नहीं होता। बाद में जो आप एनालिसिस करोगे उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। आज के इस वीडियो फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर होने वाला है। हम लोग क्रिएट करने वाला है फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको आना है business.facebook.com पर। तो फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा एंड आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका जो बिजनेस नेम है वो डालिए, मानो कि ये मेरा बिजनेस नेम है एंड यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना होगा एंड देन आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपके पास एंड यहाँ पर से आप अपना पेज चूज़ कर सकते हो। जो पेज आप मतलब मैनेज कर रहे हो वो पेज आप यहाँ पर से चूज़ कर सकते हो एंड अपना कंटेंट भी यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हो। पर ये वीडियो बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर है। बिजनेस सेटिंग्स में मैंडेटरी सेटिंग्स क्या क्या है हम देख लेंगे अभी। सबसे पहले आ जाते हैं स्क्रॉल करके मोर टूल्स पर एंड उसके बाद आपको जाना होगा बिजनेस सेटिंग्स पर। तो यहाँ पर से आपका बिजनेस पार्टनर्स आप ऐड कर सकते हो। आपको बस उसका नाम या फिर आईडी या फिर ईमेल आईडी डालना होता है एंड देन यहाँ पर से ऐड करना होता है आपको। तो सेकेंड आ जाता है पार्टनर्स पर। अगर आप अपना बिजनेस पार्टनर को ऐड करना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि वो भी आपका एड्स या फिर पेज मैनेज करे, फिर आप ऐड पर क्लिक कीजिए, पार्टनर का बिजनेस आईडी डालिए एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी पार्टनर का एसेट की एक्सेस चाहते हो फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये वाला बटन पर क्लिक कीजिए एंड मैंडेटरी जो फॉर्म्स होता है, मैंडेटरी जो यहाँ पर डिटेल्स डालना होता है वो डिटेल डाल के आप एक्सेस मांग सकते हो उन लोगों से। नेक्स्ट आ जाता है पेजेस पर। आप कौन से पेजेस से अपना बिजनेस चलाना चाहते हो वो वाला पेज आप यहाँ पर ऐड कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है ऐड ए पेज। इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए पेज देन यू कैन ऐड फ्रॉम हेयर। एंड अगर आप चाहते हो कि किसी का पेज का आप एक्सेस चाहते हो फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बस ऐड पेज पर क्लिक करना होता है, उस पेज का नेम या फिर यूआरएल डालिए एंड ऐड पेज पर क्लिक कीजिए तो आपका पेज ऐड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आ जाता है क्रिएट न्यू पेज पर। अगर आपके पास कोई पेज नहीं है तो फिर डायरेक्टली यहाँ पर से आप पेज क्रिएट कर सकते हो, बट पर्सनली आई रिकमेंड कि आप अपना प्रोफाइल में जाइए देन पेजेस पर जाइए देन वहाँ से मतलब पेज क्रिएट कीजिए। एज अकाउंट यहाँ पर मेरे को ये मैसेज दिखा रहा है क्योंकि मैं इस अकाउंट पर इनएक्टिव था बहुत दिन पहले से एंड मेरा जो मेन एड अकाउंट है वहाँ पर बहुत सारा एड अकाउंट ऑलरेडी है। तो फिर वैसे अगर मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाता तो आपको दिक्कत होता समझने में एंड यहाँ पर भी सेम फंडा है। आपको बस ये तीन ऑप्शन आपको मिल जाएगा वहाँ पर। आप अपना ऐड अकाउंट अगर ऑलरेडी है तो फिर आप मतलब ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हो। किसी का ऐड अकाउंट का अगर एक्सेस चाहिए तो फिर एक्सेस कर सकते हो। सेकंड वाला ऑप्शन रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऐड अकाउंट्स ऐसा कुछ लिखा आएगा एंड थर्ड अगर आपके पास कोई ऐड अकाउंट नहीं है तो फिर आपको क्रिएट करना होगा क्योंकि विदाउट ऐड अकाउंट यू कैन क्रिएट और रन फेसबुक एड्स राइट। सो आपको नया क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट यहाँ पर ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। तो फिर थर्ड ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर मैंडेटरी सेटिंग्स के अंदर आता है इंस्टाग्राम। अगर आप चाहते हो कि आप अपना ऐड इंस्टाग्राम पर भी चलाना चाहते हो फिर आप यहाँ पर से अपना
इंस्टाग्राम आईडी आप कनेक्ट कर सकते हो, यू जस्ट नीड टू लॉग इन टू योर इंस्टाग्राम, देन यू आर गुड टू गो, यू हैव टू ऑथेंटिकेट फ्रॉम हेयर एज वेल। तो थर्ड ऑप्शन जो है व्हाट्सएप अकाउंट्स, या पर अपना बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाते हैं पिक्सल पर। पिक्सल ऐड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपनी ऑडियंस के बिहेवियर ट्रैक नहीं करोगे तो एड्स चलाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपके पास डेटा होना चाहिए, बाद में जो आप एनालिसिस करोगे उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, एंड उसके लिए पिक्सल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिक्सल पर क्लिक करेंगे, देन ऐड पिक्सल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पिक्सल नेम सेट करना होता है, यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट एड्रेस डालिए एंड देन कंटिन्यू कीजिए, मानो कि demoac.com। मैंने ये बिजनेस, ये मेरा डोमेन नहीं है, फिर भी मैंने डाला, एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका बिजनेस, आपका पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू मैनेजिंग माई बिजनेस, यू कैन सेट अप योर पिक्सल लेटर इन द पिक्सल सेक्शन ऑफ एड मैनेजर। आप बाद में भी कर सकते हो और अभी भी कर सकते हो, कंप्लीट द प्रोसेस लिस्टिंग। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो लोग आपको एक मैनुअल कोड देगा, तो आपको ये कोड बस कॉपी करना होता है एंड आपके वेबसाइट के जो H1 टैग हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको बस पेस्ट करना होता है, या फिर आपके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, रुकिए, एंड ऐड कोड यूजिंग अ पार्टनर इंटीग्रेशन, यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप अपना जो वेबसाइट प्रोवाइडर है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, वो चूज़ करना होता है एंड ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाता है आपके वर्ड आपके वेबसाइट पर। मानो कि आप वर्डप्रेस या फिर वेबफ्लो या फिर वूकॉमर्स या फिर विक्स या फिर शॉपिफाई या फिर स्क्वायरस्पेस, ये सबसे अपना स्टोर चला रहे हो तो आपको बस ये प्लेटफॉर्म चूज़ करना होता है एंड लॉगिन करना होता है, वेरीफाई करना होता है एंड देन यू आर गुड टू गो। तो पेमेंट्स मेथड पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने अपना पेमेंट मेथड अभी भी ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने ब्रांड न्यू क्रिएट किया है। तो पेमेंट मेथड आप अपना डिटेल्स यहाँ पर ऐड कीजिए, यहाँ पर अपना कंट्री चूज़ कीजिए, करेंसी चूज़ कीजिए एंड अपना डिटेल्स डालिए, आपका एड्स अकाउंट रेडी हो जाएगा ऐड क्रिएट करने के लिए। तो दैट वाज द लिटिल वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय।